ऐसे तो पूरे भारतवर्ष में कई महान शूरवीरों ने जन्म लिया और अपना बलिदान देकर भारत माता की रक्षा की, लेकिन राजस्थान की धरती पर ऐसे ऐसे शूरवीरों ने जन्म लिया जिनका इतिहास शायद बहुत कम लोग जानते हैं। आज की इस वीडियो में राजस्थान शूरवीर हिंदुओं के 11 महान सत्य बताने वाला हूँ, जिन्हें सुनकर आप गर्व महसूस करेंगे। नंबर एक पर आते हैं, चित्तौड़ के जय अमाल मेड़तिया ने एक ही झटके में हाथी का सिर काट डाला था। नंबर दो पर आते हैं, करौली के जादौन राजा अपने सिंहासन पर बैठते वक्त अपने दोनों हाथ जिंदा शेरों पर रखते थे। नंबर तीन पर आते हैं, जोधपुर के जसवंत सिंह के 12 साल के पुत्र पृथ्वी सिंह ने हाथों से औरंगजेब के खूंखार भूखे जंगली शेर का जबड़ा फाड़ डाला था। नंबर चार, राणा सांगा के शरीर पर युद्धों के छोटे बड़े 80 घाव थे। युद्धों में घायल होने के कारण उनके एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन काल में 100 से भी अधिक युद्ध लड़े थे। नंबर पांच, एक राजपूत वीर झुंझार जो मुगलों से लड़ते वक्त शीश कटने के बाद भी घंटे तक लड़ते रहे, आज उनका सिर बाड़मेर में है जहां छोटा मंदिर है और धड़ पाकिस्तान में है। नंबर छह, राय मलोत कल्ला का धड़ शीश कटने के बाद लड़ता लड़ता घोड़े पर पत्नी रानी के पास पहुंच गया था, तब रानी ने गंगा जल के छींटे डाले, तब धड़ शांत हुआ। नंबर सात, चित्तौड़ में अकबर से हुए युद्ध में जयमाल राठौड़ पैर जख्मी होने की वजह से कल्ला जी के कंधे पर बैठकर युद्ध लड़े थे। ये देखकर सभी युद्धरत साथियों को चतुर्भुज भगवान की याद आ गई थी। जंग में दोनों के सर काटने के बाद भी धड़ लड़ते रहे और राजपूतों की फौज ने दुश्मन को मार गिराया। अंत में अकबर ने उनकी वीरता से प्रभावित होकर जयमाल और कल्ला जी की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई थी। नंबर आठ, राजस्थान पाली में आउवा के ठाकुर खुशाल सिंह 1857 में अजमेर जाकर अंग्रेज अफसर का सर काट कर ले आए थे और उसका सर अपने किले के बाहर लटकाया था। तब से आज दिन तक उनकी याद में मेला लगता है। नंबर नौ, महाराणा प्रताप के भाले का वजन 125 लगभग 50 किलो था, कवच का वजन 80 किलो था। कवच, भाला, ढाल और हाथ में तलवार का वजन मिलाए तो लगभग 200 किलो था। उन्होंने तलवार के एक ही वार से बख्तावर खलजी को टोपे, कवच, घुड्डे सहित एक ही झटके में काट दिया था। नंबर 10, सलूम्बर के नव विवाहित रावत रतन सिंह चुंडावत जी ने युद्ध जाते समय मोहवश अपनी पत्नी हाड़ा रानी की कोई निशानी मांगी तो रानी ने सोचा, ठाकुर युद्ध में मेरे मोह के कारण नहीं लड़ेंगे। तब रानी ने निशानी के तौर पर अपना सर काट के दे दिया था। अपनी पत्नी का कटाशीश गले में लटकाकर मुगल सेना के साथ भयंकर युद्ध किया और वीरतापूर्वक लड़ते हुए अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो गए थे। नंबर 11, हल्दी घाटी की लड़ाई में मेवाड़ से 20,000 सैनिक थे और अकबर की ओर से 85,000 सैनिक थे, फिर भी अकबर की मुगल सेना पर राजपूत भारी पड़े थे